महीने में 90% लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, लेके आएंगे अगर मेरे साथ पढ़े आप लोग तो। अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था बिहार के उस बच्चे का जिसने अभी टॉप किया है, तो उसका इंटरव्यू में क्या था, 14 घंटे पढ़ाई करता था वो डेली। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, 10th के प्यारे प्यारे बच्चों का मैथोकॉम स्वागत करता है। आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10th का टाइम टेबल जारी कर दिया है। वे पेपर जो बचे हुए थे कोरोना के कारण हो नहीं पाए थे, उनका टाइम टेबल जारी कर दिया है। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 29 जून को सामाजिक का पेपर है और 30 जून को मैथ्स का पेपर है। अगर हम बात करें तो 1 जून से 30 जून के बीच में 30 दिन है, और 30 दिन का आपके पास समय है कि आप मैथ्स का प्रिपेयर करें और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का समय उन्होंने रखा है 8:30 बजे से 11:45 तक, तो इस तरह टाइम रखा है, सवेरे 8:30 बजे से 11:45 तक आपका एग्ज़ाम होगा। मैथ्स का पेपर है 30 तारीख को, और मैथोकॉम जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा मैथ्स से रिलेटेड है, तो मैथोकॉम आप लोगों की हेल्प के लिए मैथ्स के खूब सारे वीडियोस लेकर आने वाला है, और हम आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। और मेरे वीडियोस देखने के बाद ये गारंटी है कि 90% आप एग्ज़ाम में लेके आओगे मैथ्स में, क्योंकि आज से कई सालों पहले 2003 में 95 मार्क्स अगर मैं लेके आया था, तो मेरे पास वो अनुभव है, मुझे वो गाइडेंस है, मुझे वो पता है आइडिया कि किस प्रोसेस को अपना कर किस तरह से हम प्रिपरेशन करें ताकि हम मैथ्स के पेपर में 90 मार्क्स लेके आ जावे। और काफ़ी बच्चों ने क्या किया कि कोविड के कारण वो सोच रहे थे पेपर नहीं होगा, सब भूल भुला गए हैं, पढ़ाई छोड़ दी थी, तो आज से डट के लग जाओ। तो मैथोकॉम क्या लेकर आ गया है, मैथोकॉम आप लोगों के लिए लेकर आ गया है राजस्थान बोर्ड के 10th के बच्चों के लिए फ्री में मैथ्स की क्लासेस। यूट्यूब पर आप जाइए, मैथोकॉम को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे बहुत अच्छे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, फॉर्मूले के बाद हम लोग, क्योंकि टाइम कम है, तो क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, डेस्क वर्क को सोल्व करेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी अवेलेबल करा रहे हैं। जूम पर आप आइए, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग जूम पर आकर अपनी क्लास को ऑनलाइन ले सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको सॉल्यूशन दूंगा। इसके अलावा आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब के चैनल मैथोकॉम पर। 1 महीने में 90% लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, लेके आएंगे अगर मेरे साथ पढ़े आप लोग तो, क्योंकि हमारा संकल्प क्या है, हमारा संकल्प है आपके मार्क्स लाना। और क्या क्या सुविधाएं हम लोग मैथोकॉम प्रोवाइड कर रहा है, मैथोकॉम आप लोगों को जूम पर ऑनलाइन क्लास की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। आप इस लिंक पर जाकर जूम की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। कब क्लास लेना है, कब शेड्यूल है, वो मैं आप लोगों को यहाँ लिंक पर जाकर, आप व्हाट्सअप पे मैथोकॉम पे ग्रुप में जब ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। इस लिंक पर जाकर आप लोग मैथोकॉम के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो वहाँ पर जो लेटेस्ट वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा वो वहाँ पर आप लोगों को मिलता रहेगा, और आप लोग वीडियो की हेल्प से पढ़ते रहेंगे। कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो व्हाट्सअप पर ग्रुप में मुझे जाकर पूछ सकते हैं, जूम पर जब ऑनलाइन क्लास होगी तब मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूँगा और इससे रिलेटेड सारी सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो मैथोकॉम आप लोगों के लिए हेल्प के लिए तैयार खड़ा है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है। अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था बिहार के उस बच्चे का जिसने अभी टॉप किया है, तो उसका इंटरव्यू में क्या था, 14 घंटे पढ़ाई करता था वो डेली, 14 घंटे पढ़ाई। अगर आज से भी हम करेंगे तो भी अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे मैथ्स के एग्ज़ाम में, और मैं हूँ आपके साथ, मैं आपकी हेल्प करूँगा कैसे अच्छे मार्क्स आने हैं। हम पढ़ाई स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम देख लें कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर, वैदिक मैथ्स 4 नंबर की आती है, तो जिसको वैदिक मैथ्स टफ लगती है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़ दो 4 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 100 में से 16 आने हैं तो उस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, वो मुझे बताए कि मुझे वैदिक मैथ्स भी पढ़नी है, मैं बताऊंगा। नंबर सिस्टम 3 नंबर का, एलजेब्रा सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है 12 नंबर का, पास होने वाले बच्चों के लिए एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी इसमें माध्यिका, माध्य और मेंसुरेशन, घन, घनाभ, इनके फॉर्मूले, ये वाले चैप्टर जो होते हैं ये आपको पास कराते हैं। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। जिनको पास होने में प्रॉब्लम है और जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो सारे चैप्टर पढ़ेंगे, और हम धीरे धीरे सारे चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं लाया था मार्क्स तो आप लोगों को 100% लेके आने की गाइडेंस मैं दे सकता हूँ, और मुझे ये पता है कि किस तरह मार्क्स लाए जा सकते हैं। 14 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा। कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछें, व्हाट्सअप पर पूछें, और मैथोकॉम को फॉलो करें। ये वाला वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दें, क्योंकि फ्री क्लासेस दे रहा है मैथोकॉम, इसका कोई चार्ज नहीं है।
कोई भी चार्ज नहीं है, 1 महीने में आप 6 नंबर लेके आएंगे, बिल्कुल फ्री है जैसा कि लिखा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ। कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें वो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग स्टेटिक्स, मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करें क्योंकि वो ज़्यादा ईजी चैप्टर है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। लास्ट तक देखा आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।